हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि लड़कों में क्या देखकर लड़की खुद को रोक नहीं पाती है उस लड़के से प्यार करने से। तो आज की वीडियो से टॉपिक पर है दोस्तों। देखो, जब भी कोई रिलेशनशिप में आता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसकी उस रिश्ते से कुछ ज़रूरत, कुछ इच्छाएँ होती हैं और उसी के बेस पर ज़्यादा लोग रिलेशनशिप में आते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको लड़कियों के बारे में बताऊँगी कि मोस्टली लड़कियाँ लड़कों में क्या देखकर उनसे प्यार करती है, खुद को रोक नहीं पाती है उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट होने से। तो आज की वीडियो से टॉपिक पे है। तो दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ है वो है फिज़िकल अट्रैक्शन। जी हाँ दोस्तों, मोस्टली 60% लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो किसी लड़के के फिज़िकल अट्रैक्शन को देखकर उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है, उन्हें पसंद कर लेती हैं। क्योंकि दोस्तों, बात करना या ना करना ये तो बात पे डिपेंड होता है, लेकिन शुरुआत में या पहली नज़र में जब वो किसी लड़के को देखती हैं तो वहाँ पर फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लड़की को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। और फिज़िकल अट्रैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका हेयर स्टाइल हो गया, आपके कपड़े हो गए, आपका ड्रेसिंग सेंस है, आपके शूज़ हैं, ठीक है, आपके चेहरे की स्माइल, परफ्यूम, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी पर्सनैलिटी को निखारती हैं। और इसी बेस पर मोस्टली लड़कियाँ जो हैं फिज़िकल अट्रैक्शन के बेस पर लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है वह है कम्फर्ट जोन। जी हाँ दोस्तों, जब एक लड़की किसी लड़के को पसंद करती है या उसके साथ रिलेशनशिप करने के बारे में सोचती है, तो ये चीज़ वो ज़रूर नोटिस करती है कि वो उस लड़के के साथ में कंफर्टेबल है या नहीं हर तरीके से। क्योंकि आजकल की लड़कियाँ ना काफ़ी इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, ठीक है, उन्हें लगता है अगर वो किसी लड़के के साथ एक तरह से फुल कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, लड़का उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या उससे बात करते समय वो नर्वस होती हैं, घबराती हैं, डरती हैं, तो क्या है वो तुरंत ही उससे ब्रेकअप कर लेती हैं। उन्हें चाहिए कि हाँ, वो हमेशा किसी ना किसी चीज़ पे एक तरह से उस लड़के के साथ कंफर्टेबल रहें। और इसी वजह से ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसे देखकर एक लड़की किसी लड़के की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। इसके अलावा अगली जो चीज़ है वो है पैसा। जी हाँ दोस्तों, देखो आजकल के टाइम में आजकल की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए ये एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी इंसान की एक ज़रूरत है, एक बेसिक नीड है, ठीक है। अगर आप सोचो कि आपके पास ये चीज़ ना हो तो आप एक अच्छी लाइफ की कामना कर ही नहीं सकते कि हाँ आप एक अच्छी लाइफ जी सको। तो इसी वजह से मोस्टली लड़कियाँ लड़कों के पैसों को देख कर भी लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, उनसे प्यार करने के लिए खुद को रोक नहीं पाती हैं। क्योंकि लड़कियाँ जो है ना कभी भी ये नहीं चाहती कि वो अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर तरसे, ठीक है, उनकी इच्छाएं सभी तरीके से पूरी हों, सारी ज़रूरतें पूरी हों। और इसी वजह से मोस्टली लड़कियां इस चीज़ को देखकर ज़्यादातर उस लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगली जो चीज़ है वो है लड़के का बिहेवियर, ठीक है। लड़की से बात करते समय एक तरह से सही शब्दों का यूज़ करना, प्यार से उन्हें ट्रीट करना, ठीक है, उनका बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लड़की को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। जब भी आप किसी लड़की से बात करते हो तो अगर आप अपना बिहेवियर अच्छा रखते हो उनके प्रति, तो वहाँ पे भी चांस ज़्यादा होते हैं कि लड़की जो है आपको देखकर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपको धीरे धीरे जो है पसंद करने लगे। इसके अलावा अगली जो चीज़ है वह है लड़के का टॉकिंग वे। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को देखकर भी मोस्टली लड़कियाँ आपसे प्यार करने के लिए मजबूर होती हैं। टॉकिंग वे में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि लड़की से बात करते समय अगर आप अपने अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज़ करते हो, थोड़ा सा फ्रैंक नेचर, थोड़ा सा फनी नेचर अपना दिखाते हो, तो वहाँ पे चांस ज़्यादा होते हैं कि लड़की को आपके साथ अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना, बातचीत करना, और उस बीच जो है वो धीरे धीरे आपको पसंद करने लगती है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।